चैनल पे आपका स्वागत है। व्यंजन में आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। बहुत ही जल्दी से झटपट से बन जाती है रेसिपी, और आज की ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये रेसिपी हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बना रहे हैं, जिसमें पकाने वाले हाथ तो मेरे हस्बैंड के हैं और मैं सिर्फ नैरेट करने वाली हूँ, मतलब सिर्फ बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल देंगे, और तेल गर्म होते ही इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा था जिसको बारीक काट लिया है, तो वो अदरक का टुकड़ा डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद करीब 7 से 8 लहसुन की कलियां ली थी मैंने, उसको भी बारीक काट लिया है और उसको भी तेल में डाल देंगे। इन दोनों को बस आधे मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। तो लहसुन अदरक को आधे मिनट तक सौटे कर लेने के बाद अब बारी है इसमें हरी मिर्ची डालने की। यहाँ पे 2 हरी मिर्ची ली गई थी जिसको बारीक काट लिया गया है, और इसे भी आधे मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। और ये सारी प्रोसेस जो है वो धीमी आंच पे हो रही है, तो इसी हिसाब से मैं टाइम बता रही हूँ आपको। इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज दिया था जिसको लंबे लंबे काट लिए गए हैं, और इसे सौटे करना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। प्याज को पूरा नहीं पकाना है, ना ही इसे गोल्डन करना है, ना ही इसे ब्राउन करना है, बस ये हल्का सा गुलाबी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब तक इसे पका लेना है। तो अब प्याज गुलाबी हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा। तो इस टाइम पे अब इसके अंदर डालेंगे हम शिमला मिर्च। यहाँ पे मैं लाल, पीली और हरी तीनों शिमला मिर्च डाल रही हूँ। कोई जरूरी नहीं है तीनों डालने की, जो अवेलेबल हो आपके पास वो डालिए। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी मनपसंद की कोई और सब्जी डालना चाहते हो, जैसे कि बीन्स, मटर, गाजर, तो वो भी डाल सकते हो। लेकिन बीन्स और मटर के केस में ये है कि आप इसे एकदम कच्चा ना डालिए, नहीं तो इसे ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो पहले इसे बॉईल कर लीजिए, और फिर प्याज डाला है उसके बाद बीन्स और मटर डालिए। मटर मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ। शिमला मिर्च को डाल देने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2 से 4 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जियों को हमें पूरा कुक नहीं करना है, एकदम नहीं पकाना है, इसे हमें क्रंची रखना है, तो इसीलिए 2-2, 3-3 मिनट का फासला रख के सारी सब्जियाँ ऐड कर रहे हैं, और ये सारा प्रोसेस धीमी आंच पे हो रही है। 3 मिनट तक सब्जियों को पका लिया है, और अब इसमें मैं मटर डालूंगी। ये फ्रोजन मटर है, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये पहले से ही बॉईल हुए होते हैं। इसे बस 2 मिनट तक पकाएंगे, और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, और इसे अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक सौटे करेंगे। रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत आसानी तरीके से बन जाती है ये, आराम से आप घर पे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। तो ये सब्जियां तो हो गई है सौटे, और इसके अंदर अब डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, और ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देंगे। एक चीज फ्रेंड्स ये भी है कि जिस ऑर्डर में सब्जियां मैंने डाली है, जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में सब्जियां आप भी डालो। आप चाहो तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, प्याज के बाद बीन्स डालो, उसके बाद कैबेज डालो, उसके बाद मटर डालो। तो सब्जी आपको जिस तरीके से ज्यादा पकी हुई पसंद हो उस तरीके से पका के खा सकते हो, और लास्ट में शिमला मिर्च डाल सकते हो। सारी सब्जियां डल चुकी हैं और ये सारी सौटे हो चुकी हैं, तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे चावल। ये बासमती चावल है, इनको मैंने पूरा पका लिया है, कच्चा पक्का नहीं छोड़ा है। चावल को डाल दिया है सब्जियों के ऊपर, पूरा सब्जियों को ढक दिया है, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे सोया सॉस। इसके बाद थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, ये प्लेन विनेगर है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे ही इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है हमारा फ्राइड राइस, बस इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में चावल जिस दिन ज़्यादा पक गए हो या चावल बच गए हो, तो उस दिन आप इस तरीके से फ्राइड राइस बनाकर खा सकते हैं। इस फ्राइड राइस को तो हम चिली चिकन और पुदीने की चटनी के साथ खाने जा रहे हैं, और वो कैसे बनाना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए और उसे चेक करें कि कैसे बनता है चिली चिकन और पुदीने की चटनी। बाकी फ्राइड राइस तो फ्रेंड्स यहाँ पे पकी रहा है और आप देख रहे हो, तो इसे जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो 2 मिनट तक पका लेने के बाद इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे, और तैयार है फ्रेंड्स फ्राइड राइस। अपनी मनपसंद चीजों के साथ बना के खाइए इस फ्राइड राइस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।